भाई कोई मुझे मोटिवेट कर दो, मैं आधा घंटा और पढ़ लूं। मुझे डिप्रेशन हो रहा है, क्या करूं? फलाना व्यक्ति की यूट्यूब वीडियो देखता हूं, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है हमें। अरे भैया जाना था जापान, आ गया चीन। बेकार है भैया, आप तो टूट गया। मैं बोरिया बिस्तर बांधिए और घर जाइए। आज मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप अपने घर से निकलो और टारगेट रखो कि आपको 20 किलोमीटर आगे जाना है, ठीक है ना? आप वो रख लो, मोबाइल में गूगल मैप निकालो और सेट कर लो, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाना है मुझे। चाहे साइकिल से जाओ, कार से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, स्पाइस जेट से जाओ, जैसे जाना है वैसे जाओ, ठीक है ना? लेकिन हर 2 मिनट पे आप जहाँ का जो एंडिंग लोकेशन है वो बदलते रहना और उसके अकॉर्डिंग चलते रहना। तो यकीन मानिए, 20 किलोमीटर चलने के बाद भी आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका कारण ये है कि जो इंसान रास्ता बदलता है वो मंजिल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन जो इंसान मंजिल बदलता है वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। आप किचन में जाओ और कुछ पकाने के लिए रख दो, 5 मिनट के बाद गैस बंद करो, घर पे आ रूम पे आके चाय पियो। फिर आप किचन में जाओ, फिर गैस ऑन कर दो, फिर बंद करो 5 मिनट के बाद, फिर आके यूट्यूब रील देखो। आप यकीन मानिए 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन आपका खाना जो कुछ भी आप बना रहे हैं बन नहीं पाएगा। अगर बन भी गया, छोटी मोटी चीज, अंडे उबल भी गए, तो यकीन मानिए वो स्वाद नहीं आएगा जो एक आंच में बनने पे आता है। हम सभी क्या होता है ना, एक रफ्तार से चलने में हमको तकलीफ होती है। हमें छांव चाहिए, हमें छांव चाहिए बैठने के लिए, हमें छांव चाहिए आराम करने के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक चलते रहो, तब तक संघर्ष करो जब तक मंजिल ना मिल जाए। वो कहते हैं लगातार चलते रहिए। अगर आप एम बनाए हैं कि हमें उस जगह पे जाना है, आप चलते रहिए ना सर, चाहे धीमे चलिए, तेज चलिए, जैसे चलना है चलते रहिए, लेकिन आंखें निगाहें सिर्फ उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पूछते हैं यार कब होगा, यार कब होगा। हो जाता सर अगर आप रास्ता बदलते हैं, लेकिन आप मंजिल लगातार बदलते हुए आए। कभी ये कर लें, कभी ये कर लें, कभी ये कर लें। होते हैं कुछ लोग ऑलराउंडर जो सब कर लेते हैं, लेकिन जो ऑलराउंडर नहीं है, जिनका माइंड शार्प नहीं है, तो आपके लिए बेहतर यही है, जो आपको मिला है आप वही करें। चारों तरफ ध्यान मत बहकाइए, मत बांटिए। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो रिसर्च कहती है कि या तो आप रोड क्रॉस करेंगे या तो आप मोबाइल चलाएंगे। अगर मोबाइल चलाते हुए आप जिंदा रोड क्रॉस कर गए तो ईश्वर का शुक्र अदा कीजिए, अगर वो एक्टिव रोड है तो। आपके जीवित रखने में, उस टाइम पे आपको जीवित रखने में आपका हाथ नहीं, बल्कि उन ड्राइवरों का हाथ है जो आपको बचा करके आपको जाने दिया। आप समझिए इस बात को, एक बार आप बैठ गए हैं ना ये काम करने के लिए, वो काम करके ही उठिए, भले वो काम 10 मिनट का हो, आधा घंटा का हो, 2 साल का हो। अगर आप बीच बीच में उठते रहेंगे तो निश्चित, यकीन मानिए, फिर सर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप रास्ता बदल लो, 6 महीना बाद ही जाएंगे, लेकिन जाना तो बेटा वहीं पे है। ये मंजिल खुद आके पास गले लगाएगी कि स्ट्रगल किया है बंदा। 2 घंटा बाद ही जाएंगे, उसके लिए आप मेहनत करो। तो भटकिए मत, एक मंजिल अपनाइए, उस पर काम कीजिए और चलते रहिए, यही आपके लिए बेहतरीन होगा।